जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी, फिट फाट होंगे जी। तो फाइनली जी अपनी छत पे पहुंच चुके हैं जी, तो मैंने कहा अपने दोस्तों को अपनी छत की अपडेट्स दी जाए। तो ये जी अवैज भाई आए हुए हैं जी आज, तो कबूतर निकाल रहे हैं। तो ये देखें जी, तो दोस्तों नेट का भी काफ़ी इशू चल रहा है, आपको पता है पाकिस्तान में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में रोडे छोड़े भी बंद हैं, तो नेट का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो बाकी ये परिंदे शिंदे निकाल रहे हैं जी, मैंने कहा वैसे ही बैठे हुए हैं तो निकाल लेते हैं, ज़रा अपने दोस्तों को भी शौक करवाएं और ख़ुद भी शौक किया जाए। वो बच्चा भी निकाल देना, आज दोस्तों बच्चा निकालने लगे हैं, उस दिन निकाला था सिर्फ, निकाल के बिठा दिया था। ये जी लकवे वाली मादी भी, नागन मादी भी निकाल दे तो बाज भी निकाल दे, पैंथर पैंथर भी निकाल दे। ये दोस्तों एक बच्चा काफी देर से फिर रहा है जी, ये जा रहा है इधर, नीचे नीचे फिर रहा था, अभी ऊंचा हो गया जी। तो रास्ते शास्ते बंद है जी, लोगों को छुट्टियां जी। ये देखें जी दोस्तों, बांधा हुआ है ना, बीच में से बक्सुए लगे हुए हैं ना, ये जी बक्सुए लगे हुए हैं जी। ये वही बच्चा जी जो शाम को पहले दिन उड़ाया था और शाम को घर वापस आया था, ये आज निकाल दिया। अभी थोड़ी देर इनको बैठने देते हैं, ज़रा अच्छा अच्छा देख लीजिए बच्चा, बाकी तो हिले हुए हैं सारे, तो फिर इनको लगाते हैं जी डंडा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हैं बस ये थोड़े बहुत निकाले हैं, बाकी मेन कबूतर नहीं निकाले दोस्तों अपने, शाका कबूतर भी नहीं निकाला, नीला भी नहीं निकाला, उधर से मादियां भी मेन नहीं निकाली। अवैस लगा नहीं रहा डंडा, ये कुछ छोड़ रहे हैं ऊपर है, ये देखिए कुछ छूट गई हैं जी, कुछ को डंडा लगाने लगे हैं जी ये व्यास भी। ये देखिए जी दोस्तों डंडा लग गया, बच्चा भी ये उड़ा दिया, ये बच्चा जी। तो ये जी दोस्तों दोबारा वीडियो कंटिन्यू करूँ आपके साथ, काफ़ी टाइम हो चुका है जी। तो ये कबूतर एक हमारा बैठ रहा, बाकी सारे बैठ चुके थे जी। ये देखें जी, मैंने कहा एक आधे कबूतर की लैंडिंग की आपको वीडियो दिखाई जाए, क्योंकि बाकी तो सारे बैठ चुके हैं। तो और दूसरा जो बच्चा है वो साइड पर गया है, वापस तो नहीं आया अभी तक, तो देखते हैं जी बैठ के क्या बनता है जी। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये अवैज भाई और फैज भाई भी आए हुए हैं जी, बैठे हुए हैं। बाकी ये कबूतर है जी हमारा शारका कबूतर, एक रह गया जी, बाकी सारे पूरे हो गए हैं। और एक बच्चा जो है जो आपको दिखाया था सुबह, वो नहीं अभी तक आया, उसी साइड पे गया है आज भी, तो देखते हैं। उस दिन भी शाम को मगरब टाइम में घर आया था, आज देखते हैं क्या बनता है। जो अगर आज आ गया ना तो फिर उसने कभी नहीं जाना वापस जी। बाकी इस कबूतर की लैंडिंग चेक करें जी आप, शौक करें जी आप, भाइयों के लिए बना रहे हैं वीडियो। असर के बाद का टाइम हो चुका है जी, काफ़ी देर बाद आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो। ये खेल
खेल के आ रहा है। दाने का भी टाइम हो चुका है जी दोस्तों, ये देखे जी माशाल्लाह जी, आज काफ़ी लोगों ने कबूतर निकाल के उड़ाए हुए थे जी। जैसा कि आपको पता है जी, पाकिस्तान में बड़े रोले गोले चल रहे हैं, छुट्टियां लोगों को रास्ते बंद हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा जी कमेंट्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया करें, कहाँ कि आपकी प्यार और मोहब्बत हमारे साथ साथ रहे। ये देखिए माशाल्लाह जी, ये बैठ गया जी, बस बच्चा एक रह गया जी, देखते हैं बैठ के अब वो किस टाइम आता है जी। इनको बाकियों को अंदर कर देते हैं और ठप ठप ये निकाल देते हैं दोस्तों बाहर। तो ये जी दोस्तों कबूतर अंदर करने लगे हैं, तो दाने का भी टाइम हो गया, जिनको दाना शाना भी डालते हैं। अगर बच्चा आ गया तो आपके साथ दोबारा कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल मैंने कहा वैज भाई को, टाइम बड़ा ख़तरनाक हो चुका है जी, शाम का टाइम हो चुका है जी, तो इनको अंदर करें और अपने दोस्तों को भी अपडेट शेयर करें साथ साथ, दिखाएं कि हम अपने कबूतर कैसे अंदर करते हैं। बाकी ये खुडे पे उतार लिए हैं सारे कबूतर, ये देखें जी सारे भूखे हुए हैं, दाने का टाइम है जैसे कि आपको पता ही है। ये देखें, बाकी अपने दोस्तों मेन कबूतर नहीं निकाले थे, जैसे कि ये नीला कबूतर देखिए बाहर आया खिड़की से, ये भी नहीं निकाला। मादियाँ थी कुछ, वो भी नहीं निकाली, बस वो निकाले हैं जो कम उड़ते हैं, वो भी अपने शुगल मेले के लिए निकाले हैं, अपना शौक़ पूरा करने के लिए, और आप दोस्तों के लिए निकाले हैं जी, कि आपका भी शौक़ साथ साथ होता रहे। ये लकवे वाली माती है जी, ये सबसे एंड में ही घुसती है, बाकी सारे चले जाते हैं। इस तरीके से बंद करते हैं, यहाँ से भी इनको लॉक करें जी खिड़कियों को, ताकि कोई कबूतर वगैरह बाहर ना आए। ये जी सारे अंदर हो गए हैं, एक कबूतर ही ऊपर रह गया जाल के ऊपर। एक मिनट इसको मैं डंडे से उतार लेता हूँ, इसने दुबाज मादी के साथ जोड़ा लगाया हुआ है। चलो चल ना, तंग कर रहा है दोस्तों। अंदर नहीं हो रहा वैसे, वो तो बाज मादी अंदर खुडे में करना, ताकि ये जाल से हटे ज़रा, उसका ध्यान हटे ज़रा। उस मादी के साथ जोड़ा लगाया हुआ है, ये नीचे उतर आया, खिड़की खोल, ये चला गया अंदर। तो बाकी दोस्तों दाना शाना डालते हैं अपने परिंदों को, पानी वाली कनालियाँ निकाल लेना, और दोस्तों सर्दी हो चुकी है, जैसे कि सुबह आप अपने कबूतरों का पानी उठा लिया करें, मैंने तो नहीं उठाया था लेकिन आप उठा लिया करें। मैं भी कोशिश किया करूंगा कि जो रात का पड़ा हुआ पानी होता है वो आप उठा लिया करें, रात को ही शाम को जब दाना शाना खा लें तो उठा के बाहर रख दिया करें, ताकि सुबह वो रात का फिर पड़ा पानी ठंडा होता है, सुबह उठते हैं या निकलते हैं बाहर तो वही ठंडा पानी पीते हैं, इससे फिर बीमार होने का ख़तरा होता है कबूतरों का। तो ये भी आपने ध्यान रखना है जी, मैंने कहा आपको ये भी बता दूं, आज से शाम को हम भी पानी उठा लिया करेंगे, क्योंकि अब तो सर्दी काफ़ी होती है रात के टाइम, तो दिन को तो इतना पता नहीं चलता, बाकी रात को ठंड बहुत होती है। ये देखें जी दाना डाल दें अपने कबूतरों को, वो बोरी वाली डाल दे, मिक्स करके डाल दे। ये देखें जी माशाल्लाह सारे एक्टिव हेल्दी हैं अपने कबूतर, अल्लाह पाक नज़रबद से बचाए इनको, इंशाल्लाह ताला बच्चे हमारे अंदर पल रहे हैं, वो भी छोड़ेंगे जब बड़े हो जाएंगे। बाकी दोस्तों
बच्चा आता है, अगर आ गया टाइम से तो ठीक है, आपके साथ अपडेट शेयर कर देंगे, नहीं तो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं जी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़ जी दोस्तों।